आज राहुल गांधी करेंगे पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात। 2017 के विधानसभा चुनावों को लेकर होगा मंथन। आशा कुमारी और कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। शिरोमणि अकाली दल ने परगट सिंह और इंद्रबीर सिंह बुलारिया को किया निलंबित। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर, आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू का राज्यसभा सीट से इस्तीफा, मतलब बीजेपी से इस्तीफा। पत्नी नवजोत कौर का बयान, बोली पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं। अकाली दल ने कहा मौका परस्त। आम आदमी पार्टी पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने कहा सिद्धू जल्द बिना शर्त होंगे पार्टी में शामिल। तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नवजोत सिंह सिद्धू पर डाले डोरे, कहा कांग्रेस में आना चाहे तो है स्वागत। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का बयान, सिद्धू का आम आदमी पार्टी में स्वागत, हमारी पार्टी में नहीं है ओहदों की दौड़। सिद्धू के इस्तीफे पर बोले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सारे भगौड़े एक ही पार्टी में हो रहे हैं इकट्ठा। हरसिमरत कौर बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बोला हमला, कहा नहीं मिल रही थी टिकट, जनता से नकार दिया गया था। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला ने सिद्धू के इस्तीफे पर दिया बयान, बोले सिद्धू बीजेपी में है, पार्टी छोड़कर नहीं जा सकते। पंजाब कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी ने भी साधा नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी पर निशाना, सिद्धू के इस्तीफे को बताया डील की राजनीति। बरनाला में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किया संकट दर्शन, सुनी लोगों की समस्याएं, पंचायत के विकास के लिए सौंपे चेक। पंजाब में शिक्षा विभाग ने की 620 लेक्चरर्स की भर्ती, शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा की मौजूदगी में भर्ती किए गए लेक्चरर्स की हुई काउंसलिंग। आज हरियाणा सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में प्रदेश की स्वर्ण जयंती की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। पूर्व जस्टिस धवल किशोर अग्रवाल बने हरियाणा के तीसरे लोकायुक्त, राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। रोहतक गैंगरेप मामले में पुलिस की छानबीन तेज, डीजीपी के मुताबिक 3 आरोपी गिरफ्तार, बाकी 2 की जल्द होगी गिरफ्तारी। हिसार में गुरु दक्ष प्रजापति की जयंती पर आयोजित की गई रैली, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार समेत बीजेपी के कई नेताओं ने की शिरकत। आतंकी बुरहान की मुठभेड़ में मारे जाने के दिन पाकिस्तान के ब्लैक डे के खिलाफ चंडीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने विरोध मार्च निकाला। कश्मीर के हालात को लेकर पाकिस्तान आज काला दिवस मना रहा है, पहले ये 19 जुलाई को ही मनाया जाने वाला था। कश्मीर में हिंसा के 12 दिन बाद भी तनाव बरकरार, कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में कर्फ्यू जारी, अब तक हिंसा में मरने वालों की तादाद 36 पहुंच चुकी है। हंगामेदार रह सकता है हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, बीजेपी ने जाहिर किए तल्ख तेवर, सीएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। मानसून सत्र को लेकर बीजेपी के आक्रामक तेवर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ली चुटकी, बोले सदन में हंगामा करना बीजेपी की आदत, बीजेपी की आदत से सरकार है वाकिफ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी को नोटिस, मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को। साल 2015 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ स्पोर्ट्स बिल अभी भी राजभवन में ही अटका है, हिमाचल में अब इस पर सियासत गर्मा गई है। शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश भर में रूसा प्रणाली के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी। बिहार के गया में एक नक्सली हमले में शहीद हुए 10 जवानों में पंजाब का भी एक सपूत है, होशियारपुर के कंडी क्षेत्र के तहत आने वाले रणसौता का रमेश कुमार नक्सली हमले में शहीद हो गया। मानसून सत्र में जीएसटी बिल पास होने का रास्ता हुआ साफ, कुछ मांगों को माने जाने के बाद तैयार हुई कांग्रेस, अरुण जेटली और आनंद शर्मा के बीच हुई चर्चा, अगले हफ्ते राज्यसभा में बिल लाएगी सरकार।